सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में श्री राम मंदिर निर्माण व सहयोग हेतु विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित जन जागरण यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिलाओं सहित बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाते नजर आई। यात्रा के साथ एक सुंदर राम लक्ष्मण की झांकी भी निकाली गई थी, जहां लोग जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत करते नजर आए। यह शोभा यात्रा मोरवा शिव मंदिर से LIC चौक होते हुए सर्किट हाउस रोड के साथ साथ पूरे शहर में घुमाया गया। शोभा यात्रा को देखते हुए प्रशासन द्वारा चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था रखी गई थी। इस यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल रहे। राम मंदिर अपने हिंदू भाइयों के सहयोग से बनेगा, जो अपनी पूरी राम सेवक जाएंगे घर घर और हर आदमी से जो उनकी इच्छा होगी वो उसमें अपना धन संग्रह करेंगे और उसी से अपना भव्य मंदिर का निर्माण होगा। शोभा यात्रा मोरवा नगर के लिए एक चिर स्मरणीय दिवस रहेगा। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करना है, इस निमित्त यह कार्यक्रम सारे नगर के हिंदू वासियों को जागरण करने का निश्चय करके किया गया है। राम मंदिर निर्माण में जैसा कि विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्णय लिया है कि हर हिंदू परिवार का धन संग्रह करके इस मंदिर का निर्माण किया जाए और सारे देश के हिंदुओं में भगवान राम के प्रति आस्था का प्रादुर्भाव हो, यह विचार रखते हुए यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। हमारे जिले के माननीय संघ चालक श्री दलाल सिंह के नेतृत्व में और श्री विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह के देखरेख में यह पूरी शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण किया है और प्रत्येक हिंदुओं को इस बात का एक संदेश दिया है कि यह 492 वर्षों से चलते हुए इस संघर्ष को जब हम जीत पाए हैं तो यह हमको एक हमारी पीढ़ी के लिए सुनहरा मौका है कि हम इस कार्य में जन जन तक अपने धन संग्रह करके और इस भव्य मंदिर का निर्माण करें, जो भारत ही नहीं विश्व में एक अच्छी धरोहर के रूप में जाना जाए, ऐसा विचार करके 1000 वर्षों के निर्माण के निहित अपने इस विचार को ऊपर रखते हुए कि हिंदू जागरण हो, हम लोगों ने इस शोभा यात्रा को संपन्न कराया है। धन्यवाद। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट।